यहाँ पे देख सकते हैं कट एंड कवर टनल का काम, सारी लेबर लगी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे कट एंड कवर, यहाँ पे देख, ये देख सकते हैं गाइस, ये देखो ये देखो ये देखो ये देख सकते हैं ब्यूटीफुल। और ये रोड की हालत देखिए आप। तो अब गाइस आई होप आप रेडी होंगे टनल के अंदर जाने के लिए। तो कुछ ही समय में हम चलते हैं सीधा टनल के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रक्स ने क्या ट्रैफिक लगा दिया, और ट्रक वाले जो ओवरटेक करते हैं तो कुछ भी नहीं देखते, कुछ भी नहीं। ये देख सकते हैं तो गाइस अभी हमें केला मोड़ टनल के अंदर T1 टनल ओपन हो चुका है। काफ़ी टाइम पहले से इस पर, मैं पहले भी काफ़ी बार आ चुका हूँ टनल के अंदर, और इस टाइम में ओवरटेक तो नहीं करना चाहिए, बट फिर भी ट्रक्स वाले कर रहे हैं, जो कि गंदी बात है। और टैंकर वाले, इनको काफ़ी ज़्यादा जल्दी रहती है हमेशा से तेल पहुँचाने की, ये देख सकते हैं। और ये अभी एक ही स्पीड में चलते रहेंगे कुछ देर तक, तो काफ़ी गंद में जाते हैं ये ट्रक्स ट्रैंकर वाले जब ओवरटेक करते हुए। ये देख सकते हैं डस्ट कितनी ज़्यादा है। तो ये अभी हम टनल के बाहर निकल के, टनल की लेंथ आपने लगभग देख ही ली, तो इस टनल के हम बाहर आ चुके हैं। तो ये है केला मोड़ वाला टनल। टनल के बाहर आते ही आ जाता है ब्रिज, जो कि बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पर नीचे लेफ्ट साइड में एक और ब्रिज का काम चल रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रिज का काम चल रहा है लेफ्ट साइड में। तो एक लेन ऊपर से रहेगी, एक रोड नीचे वाला रहेगा। तो जब से ये टनल बना है आपको वहाँ से घूमने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट जब वो नीचे वाला लेन तैयार हो जाएगा तो एक साइड से घूम के जाना पड़ेगा, एक साइड से टनल से। तो ऐसे आप जब भी राइड पे जाएं कहीं पे, तो ऐसे जैसे ये लोग तीन लोग चल रहे हैं राइड पे, ऐसे तीन राइड पे कभी भी मत चले। और जब भी कहीं राइड पे चले हेलमेट पहन के चले। और ये देख सकते हैं ये छपरी वाली हरकतें मत करें गाइस, ये देख सकते हैं। ऐसे मजाक मजाक में जान भी जा सकती है। तो जो राइडर है उसने खुद हेलमेट पहना है, बट पीछे अपने दोनों को हेलमेट नहीं दिया, वो ट्रिपलिंग कर रहे हैं, जो कि काफ़ी गलत बात है। अब मेरे साथ जो राइडर बैठे हैं पीछे, उनको मैंने हेलमेट भी दिया, तभी मैंने साथ बिठाया। मैं आपको आगे उनको उनसे भी मिलवाऊँगा वीडियो में आगे जाके। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं ट्रक ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक लग चुका है। तो गाइस भाई लोग कह रहे थे जैसे कि एक वीडियो बनाओ जिसमें पूरा बनिहाल तक रोड दिखाओ, तो मैं पूरा बनिहाल तक रोड दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये आ चुका है सेकंड टनल, जो कि छोटा सा है, इसकी लेंथ काफ़ी कुछ मीटर तक है, 380 मीटर होगी शायद से। तो इस वाले टनल के अंदर जाने के लिए रेडी हो सभी। तो हम जा चुके हैं सेकेंड वाले टनल के अंदर, जो कि मरोग टनल के बाद दूसरा टनल आता है उसके अंदर। अभी हम इसके अंदर भी काफ़ी ट्रैफिक है अभी, और ये भी सिंगल टनल है, सिंगल ट्यूब है। जो पीछे वाला टनल था वो भी सिंगल ट्यूब थी। ओ ओ ओ डस्ट देख सकते हैं गाइस, तबाही 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 डस्ट है। उस टनल के बाहर निकलते हैं ना, कट एंड कवर टनल का काम चल रहा है, मैं आपको काम भी दिखा देता हूँ इसी वीडियो में, देख सकते हैं कितना कुछ कैप्चर करेंगे हम। ये अलग है, कट एंड कवर टनल का काम चल रहा है साथ में, ये देख सकते हैं। इस पे मैंने ये भी कवर करा था। यहाँ पे देख सकते हैं कट एंड कवर टनल का काम, सारी लेबर लगी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे कट एंड कवर टनल बन रहा है। तो ये देख सकते हैं, एक पीछे बनेगा कट एंड कवर टनल, एक इधर बनेगा, क्योंकि ऊपर पहाड़ी से पत्थर आते हैं, तो यहाँ तक कट एंड कवर टनल रहने वाला है। डबल कट एंड कवर टनल रहने वाला है, मतलब दो ट्यूब्स होंगी इसकी, तो जो कि उस टनल से मिलेगी एक। तो ये देख सकते हैं, इसके ऊपर से समझो जो लेंटर पड़ेगा, वो इसके ऊपर से भी लेंटर पड़ेगा, जो भी पत्थर शत्थर आएंगे पहाड़ी से वो सीधा यहाँ पर आके गिरेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनने वाला है कट एंड कवर टनल यहाँ पर। तो अभी हम चलते हैं और आगे यहाँ से, और तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आ जाता है रोड, फोर लेन वाला। ऊपर वाला लेन अभी बंद है, जब वो कट एंड कवर टनल तैयार हो जाएगा तब ऊपर वाला लेन भी तब तक तैयार हो ही जाएगा। चलते हैं आगे।
राइड को कंटिन्यू करते वक्त, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना, मतलब मैं ट्राई करूँगा 13-14 मिनट्स तक वीडियो रखने की, ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो सेकंड पार्ट में थर्ड पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं और आगे, और अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा शायद से मरोग टनल, तो अभी चलते हैं आगे। बाकी आपकी रोड की हालत आपके सामने ही है, मेरे को कुछ कहने की नीड नहीं है। यहाँ पर रोड थोड़ा सा अच्छा हुआ है, रोड में सुधार हुआ है क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग वगैरह हुई है। तो अभी ना जब अमरनाथ यात्रा शायद से 1 जुलाई को स्टार्ट होगी, तो उसके बाद एक उससे पहले एक बार फिर से ब्लैक टॉपिंग होगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं फिर से अपने सब्सक्राइबर्स को अपडेट दे दूँ कि एक रोड ये नीचे से जा रहा है, एक रोड ऊपर से जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ये आ जाता है ब्रिज। पहले मैंने वीडियोज़ में कवर करा था, इसका काफ़ी काम बाकी था, बट अब ब्रिज भी लगभग तैयार ही है। तो ये देख सकते हैं, ये आ जाता है मरोग टनल के बाहर, जो ब्रिज आता है वो देख सकते हैं आप। तो गाइस ये देख सकते हैं ब्रिज, ये जो ब्रिज बनेगा ये सीधा ऊपर वाली लेन से जाके मिलेगा। तो ये देख सकते हैं ब्रिज, कितना खूबसूरत ब्रिज लग रहा है। गार्डर्स वगैरह पड़ चुके हैं, इस पर स्लैब्स भी पड़ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते ब्रिज, और ये आ जाता है मरोग टनल ब्रिज क्रॉस करते ही, जिसका अभी ब्रेक थ्रू हुआ था कुछ दिन पहले ही, ब्रेक थ्रू हुआ था टनल का। तो दोनों साइड्स इसकी मिल चुकी हैं, इसकी लेंथ लगभग 380 मीटर है, और यहाँ पे भी अभी पिलर्स पड़ेंगे, फिर यहाँ पे ब्रिज बनेगा। तो बाकी डस्ट देख सकते हैं आप, ओह 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 ओह, सिर्फ डस्ट है, तबाही डस्ट है यार। तो हेलमेट आपके ना ही सर से, नहीं सर को बचाता है आपके, साथ में आपको इस डस्ट से भी बचाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मरोग टनल भी दिखाया, अभी ट्राई करेंगे हम, देखते हैं कौन सी साइड दूसरी साइड जहाँ पे ब्रेक थ्रू होके निकला वो कौन सी साइड पे निकलता है, वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे गाइस। और चलते हैं हम ओवर आगे, तो ये देख सकते हैं मरोग वाला एरिया सारा ये टनल के अंदर ही आ जाएगा, तो आपको इस वाले एरिया से नहीं जाना पड़ेगा जब से टनल ओपन हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है। तो गाइस ये देख सकते हैं इतना सा एरिया स्किप हो जाएगा जब वो ये मरोग वाला टनल जो मैंने दिखाया 380 मीटर्स का लगभग, वो यहाँ पे निकलेगा इस वाली साइड में, तो लगभग यहाँ पे निकलेगा। ये इसका ब्रेक थ्रू हो चुका है, दोनों साइड्स मिल चुकी हैं, ये देख सकते हैं झंडा वगैरह लगा है यहाँ पर। तो इधर देख सकते हैं, तो टनल का ब्रेक थ्रू यहाँ पे हो, और यहाँ पे टनल का वो दूसरा वाला निकलेगा। ब्रेक थ्रू हो चुका है, दोनों साइड्स मिल चुकी हैं, अभी कुछ टाइम बाद ये टनल भी तैयार ही हो जाएगा, जो कि खुशखबरी है। और यहाँ पे भी लेन एक ऊपर वाली आ जाती है, एक नीचे वाली आ जाती है, अभी हम नीचे वाली से जा रहे हैं क्योंकि ऊपर वाली बंद है, जब टनल चालू हो जाएगा उसके बाद ही ये लेन भी तैयार कर देंगे। बाकी इस लेन पे भी काफ़ी ज़्यादा काम होना बाकी, आप ऊपर देख सकते हैं कितनी स्लाइड आई हुई है, तो इस स्लाइड में काफ़ी ज़्यादा काम होना बाकी है। और नीचे यहाँ पर एक रोड काफ़ी ज़्यादा रिस्की, ये देख सकते हैं अभी इसको क्लियर करके एक लेन तैयार करनी, इतनी ज़्यादा स्लाइड है गाइस, तो भी आप सोच सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो जिनको लगता है कि कुछ ही मंथ्स में तैयार हो जाएगा 4 लेन एक ईयर में तैयार हो जाएगा, तो वो इस गर्ल्स फैमिली में बिल्कुल भी मत रहे, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और वैसे ये जो NH44 जम्मू टू श्रीनगर आने वाला ना, तो उसमें आपको खाली टनल्स ही टनल्स देखने को मिलेंगे, स्पेशली आपको रामबन वाली साइड, बनिहाल वाली साइड, मतलब काफ़ी ज़्यादा टनल्स और काफ़ी बड़े बड़े टनल भी देखने को मिलेंगे। यहाँ ऊपर भी लेन में अभी काफ़ी काम बाकी है, तो अभी और आगे चलते हैं गाइस। ट्राई कर रहा हूँ पूरा कवर करने की इसी ब्लॉग में, देखते हैं अब कितना कवर होगा। तो ये देख सकते हैं रोड की हालत, काफ़ी ज़्यादा खड्डे आ जाते हैं बीच में, ये देख सकते हैं।
अभी आपकी रोड की हालत आपके सामने, अभी एक और टनल का काम चल रहा है वो अब जाएगा जो कि सीधा निकलेगा डिगडोल वाली साइड। तो अभी हम और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी ऊपर वाली लेन का कितना ज़्यादा काम होना बाकी है और रोड कितना ज़्यादा रिस्की है। ड्राइविंग रूल्स वगैरह कोई भी फॉलो नहीं करता इन रोड्स पे, चक्कर ये ही है तब भी इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, डेली एक्सीडेंट होते हैं। अभी दो तीन दिन पहले डिगडोल में भी एक्सीडेंट हुआ था, मतलब डेली एक्सीडेंट होते हैं स्पेशली रामबन वाले एरिया में, रामबन डिस्ट्रिक्ट में डिगडोल साइड पंठियाल साइड टनल बनने के बाद भी एक्सीडेंट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेथ्स होती हैं। तो अभी हम चल रहे हैं आगे, रोड की हालत आपके सामने ही है, डस्ट देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा डस्ट है। और ये हमारे साथी राइडर्स, ये डस्ट से ये भी परेशान हो गए हैं गाइस, क्योंकि डस्ट काफ़ी ज़्यादा है। बाकी व्यू चेक कर सकते हैं माउंटेन्स का, ये देख सकते हैं गाइज, ये देखो यहाँ पे ओवरटेक करना कितना ज़्यादा रिस्की है, ये आपको दिख रहा होगा, आपको आगे से गाड़ी आ रही है। तो ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा कर्व हैं रोड पे, फिर भी गाड़ियाँ ओवरटेक कर रही हैं, स्पेशली जो पैसेंजर गाड़ियाँ जाती हैं श्रीनगर के लिए, जम्मू टू श्रीनगर वो। और आज कौन भाई, तो आज कौन भाई जा रही है वो कश्मीर के लिए, तो उधमपुर से सब छोड़े हैं ट्रक्स वगैरह, तो इसलिए इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, वरना इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सामने से बाइक आ रही है, फिर भी कोई ब्रेक नहीं मार रहा, तो बाइक वगैरह को कुछ भी नहीं मानते हैं ट्रक्स वगैरह वाले। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये डस्ट है यहाँ पे रहते हैं रामबन के लोग, ये हाल है रोड का, मतलब इतनी ज़्यादा डस्ट क्या ही कहूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस माउंटेन्स, क्या प्यारे पहाड़ हैं, जितने अच्छे पहाड़ उतना ज़्यादा रिस्की रोड है। और यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैफिक, अब रोड का ब्लॉग दिखा रहा हूँ ना तो मेरे को पूरा रोड पूरा दिखाना पड़ता है, वरना मैं खाली मेन एरिया से ही दिखाता। फिर कुछ सब्सक्राइबर्स कहते हैं आप पूरा रोड में पूरी रोड दिखनी हमको बनिहाल तक, तो अब मैं आपको पूरा ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ये देख सकते हैं ट्रक्स, बस ऐसे ही चलते हैं यहाँ पर ट्रक, तभी एक्सीडेंट होते हैं। ये देख सकते हैं, अब अगर आगे से वो देखो गाड़ी आ रही है, ये देखो बस ऐसे ही ट्रक्स चलते हैं भाई, ऐसे ही। ये देख सकते हैं, तो अभी जो अमरनाथ यात्रा भी जाने वाली है ना, अगर आप यात्रा जा रहे हैं तो ऑनलाइन अगर आपने बुकिंग वगैरह कर दी आप करने वाले हैं, तो आपको इसी रोड से जाना पड़ेगा। ये है रोड की हालत। ये देख सकते हैं डस्ट, और बाकी रोड की बात कर लें खाली कर्व्स देखने को मिलेंगे आपको, मोड़ ही मोड़ है। ये देख सकते हैं अब ये ट्रक वाले डेली यहाँ से चलते हैं, तो इनको पूरा मोड़ वगैरह पूरे याद है, इनको पता है कैसे चलना है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं डस्ट से पूरा हाल हो गया है।
ये देख लो अपनी लेन छोड़ के दूसरी लेन में चलता है। बाकी रोड की हालत आपके सामने, और ये सामने वाटरफॉल देख सकते हैं, कितना ज़्यादा खूबसूरत वाटरफॉल है ये। और फिर यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर रुके तो कितना अच्छा वाटरफॉल है ये। तो गाइस देख सकते हैं वाटरफॉल, यहाँ पे फोटोशूट हो रहा है, छपरी राइडर भी रुके और ये रहा वाटरफॉल, काफ़ी सही है यार। यहाँ पे हम लगाते हैं अपनी एंड आउट, ये देख सकते हैं ब्यूटीफुल। और ये रोड की हालत देखी आपने,